वजीर आजम इमरान खान लाहौर गवर्नर हाउस पहुंच गए। एक रोजा दौरे में वजीर आला पंजाब और गवर्नर से मुलाकात। पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम को 100 रोजा प्लान, नए बलदियाती निजाम और तजावजात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम का मुल्की मामलात पर सहाफियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। शाम 6 बजे सहाफियों से मुलाकात करेंगे। जमान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर हाउस के दरवाजे आज भी आवाम के लिए खुले। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। एंट्री के लिए लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया की जानिब से सख्त चेकिंग की गई। खाने पीने की अशिया ले जाने की इजाजत नहीं मिली। सैर करने के लिए आने वाले शहरी सिर्फ एक ग्राउंड तक महदूद। पार्क, पहाड़ी, झील तक जाने से रोक दिया। वसाइल कम लेकिन फिर भी आम आदमी की फलाह बहबूद दिल के करीब तरीन है। आइंदा बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बजट आदाद शुमार का हेर फेर नहीं बल्कि वसाइल में रहते हुए तरक्याती अमल का आकाश होगा। वजीर आला सरदार उस्मान भुजदार। पंजाब भर में अरबों रुपए मालियत के सरकारी अराजी वाकजार करवा चुके हैं। कब्जा माफिया से कोई राहत नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम इमरान खान के अहकाम के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद। करप्शन की तहकीकात करने वाले इदारे आईनी हैं। शहबाज शरीफ पर केसेस तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए। ये लोग जमहूरियत को अपनी जात और वफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबाई वजीरे सनत मियां असलम इकबाल की गुलशन रावी में गुफ्तगु। सदफ डिपार्टमेंटल स्टोर का इफ्तिताह किया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल तफ्तीशी टीम ने ताहाल शहबाज शरीफ से पूछताछ नहीं की। शहबाज शरीफ ने सुबह उठकर ताजा हवा में जाने की दरख्वास्त की जिसे नैब ने मुस्तरद किया। जराए ओपोजिशन लीडर का नाम ECL में शामिल किए जाने का इम्कान। कानून के तहत DG नैब नाम ECL में शामिल करने के लिए चेयरमैन नैब को खत लिख सकते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के नाम पहले से ही ECL में शामिल है। गोश्त और चिकन तो पहले ही हैं, आवाम की पहुंच से दूर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां महंगी तो हैं, गैर मयारी भी हैं। शहरियों का गिला। वॉल्टन में PTI के सीनियर रहनुमा नासिर शाहिद लोधी की NA 131 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमायूं अख्तर के एजाज में नाश्ता, कारकुन भी शरीक हुए। आम इंतखाबात में धांधली के बावजूद साद रफीक ने शिकस्त खाई, फिर जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। हमायूं अख्तर का कारकुनों से खिताब। NA 131 में PTI के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की अहलिया की मनावाला चर्च DHA आमद। मसीही बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात। हुमायूं अख्तर को वोट देने की दरख्वास्त की। ओपोजिशन लीडर को बगैर इल्जाम गिरफ्तार करना कहां का इंसाफ है? ऐसे रवैये जमहूरियत को तबाह करते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की राय में कोई फर्क नहीं। साबिक वज़ीरे आज़म शाहिद खाकान अब्बासी NA 124 में लीगी उम्मीदवार का। हबीबुल्ला रोड पर चेयरमैन UC 173 राना मोहम्मद अकरम के घर नाश्ता। कारकुनों को भरपूर मुहिम चलाने की अपील की। तारीखी मकामात पर गंदगी फैलाने वाले अब हो जाएं मोहतात। किसी भी किस्म का गंद डालने पर अब होगा 100 रुपए जुर्माना। अदालती हुक्म पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने बोर्ड आवेजा कर दिए। अफसरान मुसलसल निगाह रखेंगे, मौका पर ही जुर्माना किया जाएगा। जराए हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कुदरत के सारे रंग, हसीन और खूबसूरत परिंदों के संग लिबर्टी में बर्ड शो में रौनकें लग गई। तरह तरह के परिंदे देखकर शहरी खुश हुए। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जेर तमाम पंजाब बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। पहले रोज खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया।